पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। भाजपा नेता आरके सिंह आज पटना लौटे। आपको बता दें, आरा से चुनाव हारे हैं इस बार आरके सिंह। लगातार आरा से चुनाव जीतने वाले आरके सिंह को इस बार चुनावी मैदान में हार का सामना करना पड़ा। सीपीआई नेता सुदामा प्रसाद से कड़ी टक्कर हुई और सुदामा प्रसाद चुनाव जीत गए। लेकिन आरके सिंह के चुनाव हारने के बावजूद उनके समर्थकों ने उनका स्वागत जोरदार तरीके से किया। जी हां, जिस तरीके से किसी जीते हुए प्रत्याशी, किसी जीते हुए उम्मीदवार का स्वागत किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से आरके सिंह का जो स्वागत है वो धूमधाम के साथ किया गया। उन्हें फूलों की माला पहना कर किया गया। हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं आरके सिंह जिसमें नज़र आ रहे हैं उनके समर्थक बेहद खुशी के साथ उनका स्वागत करते नज़र आ रहे हैं, आरके सिंह को फूल माला पहनाते नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा देखकर लगेगा नहीं कि इस बार चुनाव हारे हैं आरके सिंह। उनसे लगातार हालांकि सवाल पूछा जा रहा था कि एनडीए वो सीट हारी है, आरके सिंह आरा से हार गए हैं, हालांकि उस बात का कोई जवाब देते नज़र नहीं आए, लेकिन उनके समर्थकों द्वारा आरके सिंह का ज़ोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें, सीपीआई नेता सुदामा प्रसाद ने उन्हें हराया है। सुदामा प्रसाद इस बार आरा से चुनाव जीते हैं। और आपको बता दें कि केवल सुदामा प्रसाद ही नहीं बल्कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है आरके सिंह के हार के पीछे। केवल आरके सिंह ही नहीं बल्कि पूरे शाहबाद की 5 सीटें जो भाजपा इस बार हार गई है, एनडीए इस बार हार गई है, उसके लिए पवन सिंह को एक बहुत बड़ा फैक्टर भी माना गया है। ये माना गया है कि जो राजपूत समाज था, जो कोयरी कुर्मी समाज था, वो गोलबंद होता नज़र आ गया था। भाजपा ने हालांकि पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन भाजपा ने ऐसा करने में देरी की थी। पवन सिंह लगातार चुनावी मैदान में प्रचार कर रहे थे और ऐसा लग रहा था, समर्थकों के बीच ये मैसेज जा रहा था, पवन सिंह काराकाट से चुनावी मैदान में थे। एक बहुत बड़ा फैक्टर बना कि उपेंद्र कुशवाहा इस बार काराकाट से चुनाव हार गए। साथ ही साथ केवल उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं बल्कि पूरे शाहबाद की जो सीट थी वो एनडीए के हाथ से निकल गई, जिसके बाद से ये माना जा रहा है कि पवन सिंह एक बहुत बड़ा फैक्टर रहे कि पूरा शाहबाद एनडीए हार गई। आरा की सीट भी उसमें से एक सीट थी। आरके सिंह पिछली बार की तरह इस बार भी वहाँ से चुनावी मैदान में थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा और सीपीआई नेता सुदामा प्रसाद ने वहां से जीत हासिल की। लेकिन आज जब वो पटना एयरपोर्ट पर नजर आए, जब पटना आए, तो उनका बेहद धूमधाम से स्वागत किया गया, जोरदार स्वागत किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी जीते हुए प्रत्याशी का स्वागत किया जाता है। फूलों की माला पहनाकर ही आरके सिंह का स्वागत किया गया। बेहद अनोखी तस्वीरें थी ये, एक हारे हुए प्रत्याशी का भी बेहद धूमधाम तरीके से खुशी के साथ स्वागत किया गया। हमने आपको तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से आरके सिंह को उनके समर्थक फूल माला पहनाते नजर आ रहे हैं। हालांकि मीडिया के सवालों का कोई जवाब देने से बचते नजर आए आरके सिंह। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।